चलिए बनाते हैं स्टफ इडली। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है होममेड इडली बैटर। स्टफ इडली बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे और इसके लिए मैंने 5 आलू को बॉईल करके अच्छे से छील कर और इसे मैश कर लिया है। अब एक प्याज लेकर उसे फाइनली चॉप कर लेंगे और साथ में ही मैं यहाँ धनिया पत्ते को भी चॉप करके रखूंगी। अब पैन गरम करके उसमें तेल डालेंगे और उसमें सरसों और जीरे का तड़का लगाएंगे। इसके बाद हींग और करी लीफ डालकर भी थोड़ी देर उसे सौते करेंगे। अब मैं बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर और धनिया का पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ इडली मेकर में हाफ इडली का बैटर पोर किया है और अब हम थोड़ा थोड़ा आलू का मसाला इसमें ऐड करेंगे और ऊपर से फिर से इडली का बैटर डालकर इसे स्टीम होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद आप इसे निकालें और कट करके अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।